दिल्ली में मैच से पहले दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने क्यों मंगवाया मास्क, क्या कोरोना की है आहट। कोलकाता में भी मास्क बांटने की तैयारी, पहले ही भूकंप ने बढ़ाई चिंता, अब मास्क की बढ़ी फिक्र। 400 का स्कोर बनाकर भी पाकिस्तान से हारा न्यूजीलैंड, वर्ल्ड कप में कैसे हो रहे हैं ऐसे बड़े उलटफेर। पिछले 3 साल से त्योहारी सीजन आते ही कोरोना एक्टिव हो जाता है। अमेरिका में इसका नया वेरिएंट जब से मिला है तब से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच ये खबर आई कि दिल्ली में होने वाले 6 नवंबर के मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ी मास्क लगाकर उतरेंगे। उससे पहले ये जानकारी मिली थी कि कोलकाता में 70,000 मास्क बांटने की तैयारी है, और ये सब तब हो रहा है जब हिंदुस्तान के कई राज्यों ने 3 नवंबर की रात को 6 तीव्रता का भूकंप झेला है। ऐसे में आपको सच्ची खबरें और सावधान करने वाली रिपोर्ट सुनने की जरूरत है, जिसमें 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली बात, कोरोना का नया वेरिएंट HB1 अमेरिका में लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन बिहार के भागलपुर में डेंगू के कई मरीज लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिससे डॉक्टर्स भी हैरान हैं। दूसरी बात, दिल्ली में खिलाड़ी मास्क पहनकर कोरोना की वजह से नहीं बल्कि दिल्ली के जहरीली हवा से बचने के लिए उतरेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या मास्क पहनकर वो इतनी भागदौड़ कर पाएंगे। तीसरी बात, कोलकाता में कोहली का मास्क बांटने का प्लान विराट कोहली के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए होना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका कोरोना और प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर आपको कोई ये कहे कि कोरोना फिर से आ रहा है तो आप कहिए, जब जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल हम सावधानी बरतेंगे, क्योंकि दुनिया में अभी कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पश्चिमी नेपाल में 520 सालों से कोई भूकंप नहीं आया है, इसीलिए बहुत सारी एनर्जी वहां पर जमा हो गई है। भूकंप ही उस एनर्जी को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। पश्चिमी नेपाल की गोरखा जिले से लेकर हिंदुस्तान के देहरादून तक टेक्टोनिक हलचल हो रही है, मतलब दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर बसे देहरादून में बड़े भूकंप की आशंका है। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पहले से अनुमान नहीं लगा पाते हैं। इतनी तकनीकों के बाद भी हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि कब और किस वक्त ऐसा होगा। ऐसी रिपोर्ट आई है कि अगले कुछ समय में मोबाइल पर इसका अलर्ट देखने को मिलेगा, जिससे नुकसान काफी कम होंगे। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी और समझने वाली है कि क्या सच में इस दुनिया को कोई चला रहा है जिससे इंसान अनजान है और पूरी कहानी उसी के इशारे पर घूम रही है। उदाहरण के लिए हम वर्ल्ड कप को लेते हैं, इसमें कई ऐसे उलटफेर हुए जिससे देखकर क्रिकेट जगत के दिग्गज भी हैरान रह गए, पर उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान के साथ एक बड़ा चमत्कार हुआ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में हुए मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान ने इतनी सधी हुई शुरुआत की, 402 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम जीत के कगार पर दिख तो रही थी, लेकिन बाद में जिस हिसाब से उनकी बल्लेबाजी बिखरी है उससे उम्मीद कमी दिखाई देती है। पर बारिश ने पूरी कहानी पलट कर रख दी, बारिश की वजह से मैच रुका और पाकिस्तान चूंकि नियम के हिसाब से न्यूजीलैंड से आगे चल रहा था इसीलिए उसे इसका फायदा मिला। तो क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बनाए रखने में मौसम ने मदद पहुंचाई? जो टीम सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर खड़ी थी उसे अगर बारिश ने बचा लिया तो लोग कहेंगे कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसने पूरा अनुमान पलट कर रख दिया है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान 400 का स्कोर नहीं बना पाता, हो सकता कि बना लेता, लेकिन रन चेज में जैसी कहानी अब तक पाकिस्तान की दिखी है उससे इसकी उम्मीद कम ही दिख रही थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो शास्त्र पुराण और गीता कुरान में लिखा है कि इस सृष्टि का सृजनकर्ता कोई एक है जिसके इशारे पर हर कोई बस अपनी जिंदगी जी रहा है, क्या इन घटनाओं से ये बात सच साबित होती दिख रही है? आप इस पर क्या कहेंगे हमें कमेंट कर बताएं, और साथ ही ये स्टोरी उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो कोरोना को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। अभी वो बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसीलिए आप भी लापरवाही ना करें तो बेहतर है।